अरे बाप रे, बाप रे। दोस्तों मैं कमल चौधरी और अभी ऑन ड्यूटी विश्वदीप खूटे जी और साथ ही हमारे 112 के जो चालक हैं, अभी आपका शुभ नाम पिलेश जी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी सीजी पुलिस, हमें बड़ी बहुत ही प्राउड होती है कि हमारी सीजी पुलिस लोगों के क्राइम के साथ साथ सामाजिक काम, जीव जंतु को बचाने के काम में भी इन्वॉल्व है। आप देख सकते हैं पीछे करीब 10 से 12, करीब यहाँ बता रहे 6 गाय हैं और 5 मवेशी हैं, भैंसी हैं। तो ऐसी जगह पे एक बिग साइज का जहरीला खतरनाक काल बैठा हुआ है, तो मैं दिखाऊंगा कहाँ पर है, देखिए। इस जगह में घर की गृहिणी जो है ये गोबर के उफले, जिसे कंडा कहते हैं या छेना कहते हैं, इसे साफ कर रही थी, हटा रही थी, तो यहाँ पर एक बिग साइज का एक जहरीला काल देखा। तो चलिए इसे हम रेस्क्यू करते हैं और इससे जुड़ी सारी बातें बताते हैं। यहाँ पे गाय, भैंस, बिल्ली सब कुछ है। सभी है यहाँ, उसका हेड तो दिख रही है। समझ से रह रहा है, वो रहा है। बाप रे, तो बहुत बड़ा सांप है। खिड़की निकल जाए की ना, पहले वो खिड़की के छेदक निकाले। हाँ ठीक करे, पूरा उसको हाथ में रखे तो पूरा खींचे लगे। हाँ वो घुस के बैठ गया ना अंदर, घुस वो देखो वहाँ से मुंडी, वहाँ कॉर्नर से मुंडी निकाल रहा है। ठीक है ना दोस्तों, ज्यादातर लोग हमें रेस्क्यू के बहाने अपने घर का कचरा साफ करवाते हैं। रात से हम ऐसे सो नहीं पाया, कल रात के 3:30 बजे आके रेस्क्यू करके आया, फिर मॉर्निंग 5 बजे कंटिन्यू रेस्क्यू कर रहे हैं। अरे बाप रे, एकदम बड़े, इसी तरह थोड़ा सा पीछे रहिए, वो निकलेगा बाहर तो देखिएगा। भागो, पकड़ पकड़ और जा बाहर, भागो बाहर, छोड़ा नीचो है भारी जबरदस्ती की भारी मुंह है ये जब बाहर देखी है। अरे बिहार से ट्रेन में बैठ के थोड़े, देखिए कितना बड़ा जहरीला कोबरा है और गुस्से से एकदम तंगाया हुआ है। अगर काट दे तो मेरी बहुत चला। बाप रे, ओ चलो चलो भागो भागो, किनारे हो जा, बगल में नहीं, चलो किनारे हो जाओ, किनारे रास्ता खाली करा। हाँ निकल गए, रास्ता खाली करा, रगड़ रगड़ के तो दूर हटना भी है ना आपने। कुछ मत करो यार, दीदी मैं और 112 की टीम, हम लोग घरों को कचरा साफ करते हुए और एक जहरीले सांप को बाहर किए। और सबसे बड़ी बात है कि ये किसी को भी काट सकता था, जिस तरह से बता रहे थे कि बच्चे वहाँ खेलते हैं और उसी जगह में घुसते हैं बार बार, तो एक बड़ा हादसा टला, चाहे इंसानी जिंदगी के लिए चाहे ये जीव जंतु के लिए। और हमारा काम ही है पुलिस वालों का, और हमारा काम ही है कि लोगों की हेल्प करना और जीव जंतु की हेल्प करना। तो दोस्तों इस सांप को सभी जानते हैं, इसकी पहचान की जरूरत नहीं, सीधा सीधा महाकाल महादेव के गले में विराजमान रहते हैं माला की तरह। ये एक जहरीला कोबरा, जिसे हम नागराज भी कहते हैं, और इसका जहर इतना घातक है,
काट दे तो आदमी पानी ना मांगे, लेकिन हाँ उसके बावजूद भी बचता है। अगर आप सही समय में हॉस्पिटल चले जाए, सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ फ्री में इलाज होता है, तो आप चलो इसका इलाज एकदम फ्री में होता है। और आप सीधा झाड़ फूक चक्कर में मत आइएगा, हॉस्पिटल ही जाइएगा, क्योंकि आपकी जान सिर्फ डॉक्टर ही बचा सकता है, और सांप के जहर से बना इंजेक्शन एंटीवेनम। तो दोस्तों इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी जीव जंतु को बचाते हुए, पर लोगों की जान बचाते हुए। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और हमारा वीडियो रेगुलर देखते रहो। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। यूट्यूब में हमारा चैनल है कमल चौधरी के नाम से, प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके हमारे वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपके शेयर और आपके कमेंट से हमें हर बार एक नया जोश मिलता है काम करने के लिए, प्रेरणा मिलता है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। बंद तो जाएगा, सब भाग जाएंगे। रास्ता दे दो उनको जाने के लिए, अगरबत्ती वगैरह जला के दो। और सर पब्लिक मन कर देख के इतना कन पहली बार।